बिटवीन से ये कॉलेज जो है 2003 में बना था, तो ये एक बड़ा बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहा है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, और बहुत सारे ग्रेजुएट्स यहाँ से बड़ी अच्छी पोजिशंस पे काम कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इनके एक ऐसा मौका फराहम किया जाए ताकि आपस में कनेक्ट कर सकें, आपस में नेटवर्किंग कर सकें, एक दूसरे के काम आ सकें, कॉलेज के साथ इनका ताल्लुक कायम हो। प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। व्हेन आई गिवन माय लास्ट पेपर इन दिस कॉलेज, तो नेक्स्ट डे मुझे मेरे वाले साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जॉब हो गई है, तो कल से तुमने दीन टेक्सटाइल में चले जाना, तुम्हारी जॉब है। मैं बहुत हैप्पी था, आई वॉज वेरी हैप्पी। जब मुझे 3 दिन बाद पता चला तो मेरी सैलरी थी 6500 रुपीज, ऑन द अदर एंड ऑफिस बॉय की सैलरी थी 8500। तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे वाले साहब ने मुझे कहाँ पे भेज दिया है, MBA करने के बाद 6500 और ऑफिस बॉय की 8500। आफ्टर दैट मेरे अब्बा जी ने कहा, बेटा सिर्फ दो बातें याद रखनी है, इंटेंशन एंड कमिटमेंट। इंटेंशन ये कि आपने जो काम करना है ठीक करना है, और कमिटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आपने कमिटमेंट के घर बैठे ही इरादा कर लेना कि मैंने इरादा कर लिया और ये काम करना है, उसके लिए आपको कमिटमेंट ऑनर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपकी कमिटमेंट ऑनर होगी। राइट आफ्टर दैट 2 मंथ्स आफ्टर मैं प्रमोट हो गया, और विद इन 3 ईयर्स आई वॉज द लास्ट वन इन द एडमिनिस्ट्रेशन कि मेरे ऊपर सिर्फ ऑनर्स थे। SM इमरान साहब, उनसे मैंने बहुत सीखा दीन टेक्सटाइल में, तो मुझे कहते हैं कि बेटा रिजाइन ना दो। देन आई डिसाइडेड हाउ टू बी अ एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो मैंने ग्लोब स्टेट के साथ अपना काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माई 9 ब्रांचेज विद 100+ स्टाफ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में फ़ख्र करता हूँ कि मैं अपने इन असाज़ा के जो कुछ हूँ, ये मेरा कमाल नहीं है, ये सारी ट्रेनिंग यहाँ की है। अगर मैं प्रोफेशनली कुछ गलत करता हूँ तो इट मीन्स कि लोग कहेंगे कि तुम्हारे असाज़ा ऐसे थे वैसे थे। अगर मैं एथिकली कुछ करूँगा तो मेरे वालदैन की तरबियत नज़र आएगी। तो मैं इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने वालदैन का, अपने भाइयों का, अपनी इस फैकल्टी का कि जिसने मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया। आप सब भाइयों का, बहनों का, फैकल्टी का दोबारा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, टाइम निकाला, बिकॉज टुडे इज टाइम इज मनी। तो आप लोग आए, आप सब के आने का भी बहुत शुक्रिया, मीडिया टीम का, फैकल्टी का, एलुमनाई का, इजाज़ साहब का, और जिसका नाम लेना भूल गया हूँ उनसे भी माजरत, सॉरी फॉर दैट, किसी का नाम ना ले सका हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा। मैम फरा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम इन प्रेजेंटेशन, और मुझे उम्मीद है कि आज भी मेरे फुल मार्क्स होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका।